हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप सब टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे टुडे इज़ संडे एंड माशाल्लाह से आज अठारवा रोज़ा और पता ही नहीं चला कि अठारवाँ रोज़ा किस तरह और कितनी जल्दी से गुजर है अच्छा जी संडे है तो बच्चे उठ गए हैं तो उनका फेवरेट था ब्रेकफास्ट जल्दी से मैंने कुक किया और एक एग बाइट कुक कर रही थी और एक हाफ फ्राई उनके लिए ना अच्छा जी आज के दिन थोड़ा सा स्पेशल है आज क्योंकि बच्चों को छुट्टी थी तो आज हमारी इनविटेशन हमें आई ना माँ जी के घर से ना माँ जी कह रहे थे आज इफ्तार हमारे साथ करेंगे हम सारे मिल के तो उसकी प्रिपरेशन हो गई तो जी मेरी तो तैयारी हो गई ऑरेंज वाला सूट वेयर किया अच्छा इसके साथ ना लॉन् के सूट के साथ ये छोटी सी पॉइंट हील जो होती है ना वो बहुत प्यारी लगती है और कंफर्टेबल भी होती है अच्छा जी बच्चे सो एक्साइटेड वो बहुत कह रहे थे अच्छा जब भी जाना हो ना एक शॉपिंग बैग तो मदर्स को लेके जाना ही पड़ता है चलें जी हम पहुंच गए माशाल्लाह से ट्वेल्व ओ क्लाक गए थे मैं पहले दूध का वेट कर रही थी कि दूध आए ना फिर जाएंगे क्योंकि फिर दूध गर्म करके दही वग़ैरह लगा के फिर लेट आएंगे तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर आके दिल नहीं करता काम करने का ओके जी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयारी थी अच्छा डेस्ट बहुत अच्छी सी सिद्रा ने तैयार की हुई थी उसने पिस्ता और बादाम की फिलिंग की हुई थी इट वेरी अट्रैक्टिव वेरी ब्यूटीफुल बड़ी ही अट्रैक्शन और बहुत ही मजे के अच्छा जी गर्मा शर्मा भी कट कर लिया अच्छा जी अब सीधा जो है वो आप ज़ोरों शोरों से तैयारी करी थी सबसे पहले तो चना चाट बनाई चना चाट में छोटे भाई को बहुत पसंद है, तो चना चाट की रेसिपी इस वेरी यूनिक मतलब अच्छी थी उसे थोड़ा सा डाल के ना सारे ही मसालों को तो पहले थोड़ी देर के लिए भुना फिर थोड़ी सी इसमें उसने अजवाइन भी ऐड की जीरा मतलब चाट मसाला सारी चीज़ें ऐड कि और फिर उसमें पल्प इमली का ना थोड़ा सा पल्प डाल के अच्छे से इसको कुक कर लिया तो बहुत ही मजे के ये चाट जो थी बहुत मजे की थी और बहुत मजा आया मतलब अवतार में इतना कुछ खाने खाया तो नहीं जाता लेकिन यह कि जब बंदा इस तरह की चीट हो ना खट्टी मिठी थी तो बंदे का दिल नहीं रहा नहीं जाता बंदे से ओके जी ये भी बोल हमारा तैयार हो गया चना चाटी अच्छा जी आप ना समोसे बनाएंगे फोर्टी कह रही थी मुझे कह रही थी मैं पूछी थी सीधा कितने समोसे बनाएंगे तो कह रही थी आपकी फोर्टी अच्छा बच्चे सो एक्साइटेड बच्चों ने मैट्रेस निकाला होता है तो इन दोनों की आजकल मुंतहा और मिना की बहुत फ्रेंडशिप है ये मैटर्स हम जब आते हैं ना तब बच्चे निकालते हैं क्योंकि बच्चों ने जंपिंग करनी होती है खेलनी होती है खेलना होता है ओके जी कीमा जो है वो उसको थोड़ा सा आयल ऐड करके ना ये मशीनी की कीमा उन्होंने बॉयल किया हुआ था तो वही उसी को बून के अच्छे से इसमें काफ़ी ज़्यादा सा एक पूरा बउल प्याज करके ना इसको अच्छे से भुना कुछ धनिया जीरा पाउडर साल्ट टर्मिक पाउडर सूरख मिर्च थोड़ी थोड़ी सी सारी ऐड की थी इसको 10-15 मिनट तक ना कि जितना भी थोड़ी स्मेल भी होती है और थोड़ा सा जो वो कच्चा पान है वो भी इसका निकल जाए ओके जनाब अच्छे से ये बना गया अब जी ओके जी अब हम इसकी समोसों की जो डो है वो उसकी तैयारी कर लेते हैं मांझी ने बहुत अच्छे से ना इसको बना के दिया फिर इसके पास इधरा कहती है अभी टू टू पार्ट करती हूँ मैं ना पहले ट्वेंटी समोसे बनाऊँगी फिर ट्वेंटी तो इसने बहुत ही अच्छे से ना इसका एक और क्या कहते हैं रिंग रोल सा बना लिया फिर उसने उसके छोटे छोटे से पेड़े बनाए और फिर इसके जी इसने बड़े मजे से ना इसको उसने बेल लिया मैं भी साथ थी मैं क्या रहती मैं हेल्प करती हूँ माशाल्लाह से अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती थी मज़ा आता है ना जब बंदा पेरेंट्स के घर जाता है तो इतना वार्म वेलकम हो और तो इतनी अच्छी सी तैयारी हो तो बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि घर से भी निकला नहीं जाता लेकिन यहाँ के फिर बहुत ही मजा आता है माशाल्लाह से सेहत दे भाइयों को माँ जी को मतलब बहुत खुशी होती है माशाल्लाह से आ, मतलब बेटियों को बहुत सुकून मिल जाता है ना जब भी इतना सुकून मिले पेरेंट्स के घर से और फिर अपने घर बंदा बहुत सेटिस्फाइड होके ना काम करता है बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह अच्छा जी ये देखें जी ये पॉकी समोसा है इसके छोटी छोटी सी वो छोटे छोटे से जो छोटी सी चपाती थी ना वो बनाई है उसके टू पार्ट किया और टू में से एक को फिल किया जी वाटर से इसको सील बंद कर दिया दिस इज़ अच्छा पॉटी समोसा इज रेडी ये देखें जी मोसाज अच्छा मोसाज इसलिए किए थे कि ये सार चिपके नहीं आ, तो इस वजह से अच्छा जी साहब ने अपने अपने काम किए थे और मुझे एक ड्यूटी मिली थी माँ जी मा ने कहा था तुमने चिकन फ्राई करना है तो मेरा चिकन फ्राई बहुत टेंडर और बहुत मज़ेदार सा होता है मेरे भाइयों को बहुत पसंद है ना तो वो कह रहे थे कि माँ जी कह रहे थे तुम फ्राई करना तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ अच्छा से पहले ना मैंने टू एग लिए थे टू एग लेके ना इसमें टर्मिक पाउडर सुरख मिर्च नमक गरम मसाला ज़ीरा पाउडर सब डाल के ना इसको अच्छे से जी मैश कर लेना आपने कुछ भी और नहीं डाला मैंने दही भी नहीं डाला कुछ भी नहीं एग से ना ये एक तो इसकी मतलब तो बहुत अट्रैक्शन हो जाएगी और ये टेंडर भी एग से बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा अच्छा इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट किया है जी ये देखें जी ये हो गया बहुत अच्छे से मैरिनेट अच्छा चले साथ ही मैंने फिर रात को फ्राई कर लिया ये देखें बहुत ही स्लो फ्लेम में मैं फ्राई करती हूँ स्लो फ्लेम में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा जी ये देखें जी बच्चा पार्टी सो इंजॉयल अच्छा समोसा की भी तैयारी हो गई और थोड़ी सी कटलेट भी बनाए थे वो भी फ्राई हो गए समोसास भी फ्राई हो गए क्योंकि अवतार की तैयारी का टाइम शुरू हो गया बच्चों के साथ पता ही नहीं चला और आपस में थोड़ा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके बहुत मज़ा आता है ओके जी ये समोसा अच्छा लाहौरी पकौड़ाज भी बने थे जिसमें पतले पतले से आलू पटाटो अनियन कट करके कर ना और धनिया और पालक डाल के बहुत ही मज़े कर अच्छा जी सफरा जो है लग गया है ये भाइयों का और ये बच्चों का बच्चा पार्टी क्योंकि बहुत मैस मैस कर देते हैं इस वजह से ना तो बच्चे सो इंजॉइंग ओके जी आप अपना ख्याल रखिएगा मुझे दबाव में याद रखिएगा लव यू ऑल टेक केयर बाय अल्लाह